भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ करो। भगवान श्री कृष्ण इस अनमोल वचन के माध्यम से कार्य करने की नियत का उल्लेख करते हुए, जब किसी भी कार्य करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो वो काम न तो सही होगा और न ही उसके परिणाम फलदायी होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, नर्क के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। मैं ही सृष्टि का आदि हूँ, मध्य और अंत हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस सृष्टि के पालनहार हैं, वही इस संसार के शुरुआत थे, वह मध्य है और वही अंत होंगे। जो आप चाहते हो उसके लिए नहीं लड़ते हो, तो जो खो गया उसके लिए मत रो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ, मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूँ। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं, वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मन चंचल है, इसे और संयमित करना कठिन है, लेकिन यह आभास से वश में हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय है, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूँ और वो मेरे। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता हूँ, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा, तो यह श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप यह मत समझे कि आप अकेले हैं, आपके साथ श्री कृष्ण सदैव हैं। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। तो सकारात्मक रहो और अपना कार्य करते रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। कहते हैं कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत हैं। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं जाते हैं, और अपने विचारों के माध्यम से ही हम नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते रहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य एक ही है, ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म करने वाला व्यक्ति है, कर्मवीर कहलाता है। इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण।